शबीना जी, आपकी और सलमान की दोस्ती कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी और सलमान की दोस्ती एक्चुअली स्कूल और कॉलेज से शुरू हुई थी. बिकॉज ही वॉज एस के एंड आई वॉज एस के, वी यूज टू सिट बिहाइंड ईच अदर इन कॉलेज थ्रू आउट आर कॉलेज करियर. एंड एज सून एज ही स्टार्टेड हिज करियर, आई स्टार्टेड डूइंग हिज क्लोथ्स, एंड फॉर 14 years आई डिड हिज क्लोथ्स कंटिन्यूसली. कॉलेज की बात करेंगे, कैसा आप एक साथ पढ़े तो मौज मस्ती, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे थे आप लोगों के दिन वो कॉलेज के टाइम के? कॉलेज के दिनों में एक्चुअली मौज मस्ती कम थी. मैं सलमान को हमेशा पार्टियों में मिलती थी और एक महीना एग्ज़ाम्स के पहले मिलती थी. कॉलेज में हम दोनों नहीं जाते थे, अटेंडेंस नहीं था, तो आई हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेंड्स, ही हैड डिफरेंट सेट्स ऑफ फ्रेंड्स. वी नेवर मेट इन कॉलेज, नेवर हंग आउट टुगेदर इन कॉलेज. जो है सिर्फ एक महीना एग्ज़ाम्स के पहले और पूरे एग्ज़ाम्स के टाइम हम लोग इकट्ठे कॉलेज जाते थे, जहाँ मैं उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सिखाती थी कि ये और ऐसे. लेकिन अदरवाइज कॉलेज में हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं घुमा करते थे. करियर का स्टार्टिंग एकदम उस समय से ले तक अब तक, आपको लगता है कि सलमान कुछ बदल गए हैं या सलमान वैसे ही हैं जैसे पहले थे? मैं अब आजकल इतना उनसे मिलती नहीं हूँ क्योंकि दोनों के करियर्स, ही इज़ बिज़ी, आई एम बिज़ी, बट नो, ही इज़ नॉट चेंज्ड, ही इज़ द सेम. ही इज स्टिल मीट्स हिज सेम फ्यू फ्रेंड्स, एंड इवन देन ही हैड फ्यू सेम फ्रेंड्स, एंड ओवर द इयर्स नो, आई डोंट थिंक सलमान हैज चेंज्ड. सलमान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं, आपको भी पता है. अगर कुछ वाक्या होता है, कभी ऐसा होता है सलमान से, कभी आपकी बातचीत होती है कि किस दौर से गुजर रहे हैं, किन तकलीफों से गुजर रहे हैं, आपसे हाँ शबीना मेरे को थोड़ा परेशान हूँ, ऐसी कोई बात? नहीं, वो आजकल इतने बिजी हम लोग हैं कि आई डोंट, यस इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम आई ऑलवेज गो टू हिज हाउस एंड आई एम देयर वेन एवर देर इज़ अ प्रॉब्लम, बट नो आई, हम लोग फ़ोन पे आजकल हर आदमी अगर अमेरिका में है, लंदन में, यहाँ पे है, तो एक्चुअली आई एम नॉट, डोंट स्पीक दैट मच. चलिए फ़ोन के पहले की बात करते हैं. मैंने प्यार किया जब शुरू हुई थी, उस समय शायद आपका उनका रिएक्शन, एक सेकंड, मैंने प्यार किया नहीं की थी. दोस्ती के बारे में, उस समय पहली फिल्म बीबी होती है ऐसी तो नहीं, उतनी खास नहीं चली, अगर उनको पहचान मिली तो मैंने प्यार किया से, तो उस समय का उनकी बातें कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, कितना जोश, एक फिर उसके बाद फिल्म रिलीज हुई उसके बाद एकदम सब में छा जाना, वो सलमान का रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली सलमान पहले से ही वॉज कंसिडर्ड, ही वॉज, ही यूज्ड टू मॉडल, तो ही वॉज एंड ही वॉज अबाउट हिम, वी यूज्ड टू कॉलेज में नहीं लेकिन बैंड स्टैंड पे हम लोग, जहाँ शाहरुख का घर है उसके सामने जो गार्डन था, हम लोग सब वहाँ हर शाम मिला करते थे. तो तब से ही वॉज पॉपुलर, तो इट्स नॉट दैट इट वॉज अ न्यू थिंग फॉर सलमान टू अटेन स्टारडम. ही वॉज पॉपुलर विद ऑल द चिक्स एंड ही वॉज अ हैपनिंग बैंड्रा बॉय, तो वो एक दूसरा लेवल हो गया. ऐसे नहीं था कि उनके लिए कुछ नया था, वो हमेशा स्टार रहे अपनी अपनी दायरे अपने दायरे में, तो वो खाली एक एलिवेशन हो गया कि अच्छा अभी पिक्चर आ गई तो अभी हिट हो गया, तो ही इज़ बिकम अ स्टार, बट अदरवाइज ही वॉज ऑलवेज अ कूल डूड इन बैंड्रा. गर्लफ्रेंड्स की बात आपने की, हमेशा से लड़कियों के चहेते रहे हीरोइंस हो या फिर आम लड़कियां जी, कॉलेज के टाइम में आपने कहा लड़कियां, उस टाइम या बाद में जब आपने कहा बैठते थे बैंड स्टैंड पे, उस टाइम थोड़ा बताइए कैसे लड़कियों, क्रेज कैसा था उनका, लड़कियों का उनके लिए? हमेशा से ऐसे ही था, जैसे मैंने कहा वो छोटे छोटे मॉडल, उन वो उन्होंने एक छोटी सी लाल गाड़ी खरीदी थी, याद है मुझे, और जो हर 10 मिनट में बंद हो जाती थी, तो इट वॉज एन ओपन, आई थिंक ही यूज्ड इट एंड मैंने प्यार किया, विच ही रिपेयर्ड इट एंड ही यूज्ड इट, सो ही यूज्ड टू बी ड्राइविंग लाइक अ कूल डूड विथ म्यूजिक एंड ऑल दैट, तो तब भी वैसे ही था, जहाँ किसी को लिफ्ट दे दी, कोई उनको उनके पास बात करने को आ गया, तो चार्म जो अब है बीच में था, तब था, हमेशा था उनका
चार्म चेंज नहीं हुआ है। शबीना के हिसाब से सलमान में ऐसी कौन सी बातें हैं कि लड़कियां उन पे मर मिटती हैं? एक प्रोटेक्टिवनेस जो सलमान में है, जो ही ट्राइज टू प्रोटेक्ट पीपल और ट्राइज टू प्रोटेक्ट द गर्ल्स, इवन ऑन द सेट ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स द हीरोइंस, ही ऑलवेज सी टू देयर कम्फर्ट्स। तो आई थिंक बींग दैट प्रोटेक्टिव पर्सन क्रिएट्स अ नाइस फीलिंग, सो आई थिंक दैट इज द नाइस पार्ट ऑफ सलमान। चर्चाओं में अफवाहों में उनकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम जो मैंने सुना या पढ़ा है सोमी अली का आया था, उनसे अब कभी मुलाकात हुई, कभी बातचीत हुई इस बारे में आपकी? किस बारे में? सोमी अली जब उनकी मतलब ऐसे उनकी लाइफ में आई थी, अब फ्रेंडशिप थी, अफवाह उड़ी थी कि उनकी गर्लफ्रेंड है, ऐसे वैसे, आपने कभी सुना या पढ़ा था उस समय? नहीं, मैं सवाल नहीं समझी। नहीं, उनकी लाइफ में सोमी अली ऐसा अफवाहों में, तब क्या अखबार में पढ़ा था मैंने कि आई थी, या उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई या एड्रेस के बारे में, क्योंकि पहली पिक्चर उन्होंने साथ में शुरू की थी जो कि बंद हो गई, इस बारे में कभी आपकी बातचीत हुई या चर्चा उस समय आपने कोई सुनी थी? बट ही वाज सीइंग हर फॉर 8 इयर्स, सो क्या मैं समझी नहीं आपका सवाल? नहीं, सवाल ये है कि उनका और सोमी अली का रिलेशन एज अ को स्टार, एज अ फैशन, एज अ को स्टार, एज अ फ्रेंड, आपको क्या लगता है कैसा रहा होगा? कैसा रहा होगा? नहीं, आई हैव बीन विद देम, दे वर सीइंग ईच अदर फॉर 8 इयर्स, तो जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप रहता है वैसे ही था, दे वर सीइंग ईच अदर। सलमान की लाइफ में लड़कियां आती हैं और चली जाती हैं, ये क्वेश्चन है लोगों का या सब दर्शकों का, ऐसा क्यों होता है? लोग उन्हें यूज करते हैं, कहा जाता है अफवाह उड़ती है, लोग उन्हें यूज करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। सलमान बहुत इमोशनल है, ऊपर से वो हार्ड एक्सटीरियर दिखाते हैं लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल है, कोई ऐसा इमोशनल पार्ट जो आपको याद, ऐसा वाकया जो आपको याद हो? बहुत सारे हैं, हम लोग कितने बार रास्ते में चले जाते हैं और ही स्टॉप्स टू हेल्प समबडी, वी आर ड्राइविंग अराउंड, ही रिमूव्स हिज शर्ट एंड गिव्स, वी यूज टू ड्राइव अराउंड एंड ही यूज टू गिव हिज, लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस वेयर ही इज बीन देयर। अभी कहाँ से सलमान को मिसअंडरस्टूड सेलिब्रिटी कहा जाता है, ऐसा क्यों है, वैसे क्यों है? हर सेलिब्रिटी को मिसअंडरस्टूड किया करा जाता है क्योंकि आप लोग कुछ और सुनना चाहते हैं और उन लोग कुछ और बोलते हैं या हम लोग कुछ और बोलते हैं, तो everyone is misunderstood in the industry, it's part and parcel of being a star or being part of a glamorous industry। सलमान कभी भी किसी बात के लिए कोई भी उनसे कुछ भी कहे क्लेरिफिकेशन देते नहीं है सामने से, कभी कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बात नहीं, आप तो पर्सनली भी जानती हैं, प्रोफेशनली भी जानती हैं, ऐसा क्यों है? I think you should ask him. You're asking me what his answers will be. How can I answer this, Ritu? नहीं देखिए, मेरा clarification नहीं देते, मतलब जैसे मैं आपके साथ हूँ तो नहीं, मेरे को नहीं परवाह है। But these questions you should ask him. How will I answer these questions? शबीना जी, आप उनके, आपने कहा 11। लेकिन clarification क्यों नहीं, आप कुछ instances, उनकी ईद पार्टी या ऐसे सवाल, मैं हाउ आई आंसर वाई ही डजेंट क्लैरिफाई? यू आर आस्किंग मी हिज पर्सनल थिंग्स, हाउ कैन आई आंसर वाई ही डजेंट क्लैरिफाई? दैट्स हिज प्रॉब्लम, नो? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, ये तो सब, ये मतलब ये तो अच्छी बात होती है कि हमें किसी की परवाह नहीं है, हम किसी को बात नहीं कर, अगर मुझे भी ऐसा तो मैं भी नहीं बोलूंगी नहीं मुझे नहीं करनी बात, उनका शायद बिहेव ऐसा या वैसा है, वो बात खत्म। मुझे लगा कि क्योंकि ये सवाल हम सबसे पूछते हैं इसलिए ये एक फॉर्मेट, ऐसा नहीं कि रूमी जाफरी से, विकास उनके मैनेजर सब। अच्छा चलिए, कोई पार्टी की बात करें, क्योंकि ऐसी पार्टी यादगार था, सारी मस्ती की। जी, उनकी भाई की शादी संगीत की पार्टी में या उनकी ईद की पार्टियों में, जब पहले सब मिलजुल के पार्टियां करते थे, जैसे हर पार्टी में आमिर आता था, शाहरुख आता था, लोलो, बेबो, रवीना, चीची, सो इट यूज़ टू बी अ ग्रैंड पार्टी, देयर ईद पार्टी। सो फॉर इयर्स दे हैव बीन हैविंग ईद पार्टीज एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट ईद पार्टीज इन द इंडस्ट्री। सलमान ईद के साथ गणपति मनाते हैं जी, वो मतलब एकदम घर में माहौल बहुत अच्छा होता है, एकदम बढ़िया सा माहौल होता है, आपको क्या लगता है कि इतने ढंग से कोई सेलिब्रिटी दोनों चीजों को सेलिब्रेट करता होगा? ऑफ कोर्स करता होगा, क्यों नहीं। अंकल इज अ मुस्लिम एंड सलमान आंटी फॉलोज इस्लाम एज वेल एज शी इज अ हिंदू, सो सलमान इज वन एक्टर हु कैन कैरी एनीथिंग ऑन स्क्रीन, तो देर इज अदर देन फिटिंग
देयर इज नथिंग दैट ये उनके ऊपर अच्छा नहीं दिखेगा या वो उनके ऊपर अच्छा नहीं दिखेगा, उनके ऊपर सब अच्छा लग रहा है, लगता है. तो इट्स अ वेरी फॉर अ डिज़ाइनर, इट्स सलमान इज समबडी यू कैन मेक हिम वेयर एनी थिंग. सो द ईजीएस्ट पार्ट फॉर हिम इज दैट if the fitting is good it will look nice on him. बाकी के बारे में बताइए, कैसे आप आए, मिले, फिर उसमें बात की, ये ड्रेस पहना होगा, उस बाकी के बारे में बताइए. मैंने पहली पिक्चर जो उनकी की थी वो थी बागी, दीपक शिवदसानी और नितिन मनमोहन, नगमा थी पिक्चर में. तो हम वो मुझे याद नहीं, जब फूडलैंड नया नया खुला था तो वहाँ पे उनको एक टी शर्ट पहनाया गया था, एक रेड एंड वाइट. आई स्टिल रिमेम्बर दैट वॉज माई फर्स्ट कॉस्ट्यूम. और हम लोग ने वो आई थिंक टाउन में एक फॉरेन की दुकान खुली थी, तब क्रेज़ था फॉरेन के कपड़ों का, तो वहाँ से चार पांच चीज़ें उठाए थे और वो मेरा पहला कॉस्ट्यूम था पिक्चर में, जब सलमान नगमा को बाहर घुमाने लेके जाता है, तो वो गाना हम लोग ने मैंने पहले शेड्यूल में किया था. फिर इसके बाद हम दिल दे चुके सनम का ड्रेस जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, फर्स्ट आपने डिज़ाइन किया था, सलमान का क्या रिएक्शन था उस पर? हम दिल दे चुके सनम में कौन सा डोली तारो नहीं था, जितना संजय बंसाली का था, उन्होंने कम्प्लीटली वो ड्रेस रिजेक्ट किया था. और मुझे याद है कि वी वर शूटिंग इन द नाइट द नेक्स्ट डे एंड ही सॉ द ड्रेस वन डे बिफोर इन द आफ्टरनून द ड्रेस एंड ही कॉल्ड द कैमरा मैन एंड ही सेड द कैमरा मैन वॉज आई फॉरगॉट who it was and he came and it because he saw it in the afternoon on the road and pura rasta wo mirror said this outfit cannot you cannot wear this outfit. So I said no, this is the outfit I'm going to give him. So we had a huge Sanjay and I are very close friends, so he and I had a huge fight and I said no, he will wear this only. And till then Salman to had not even seen the outfit. And by the time he said to tone the outfit down and I said yes, yes, but I didn't tone the outfit down. And by the time, next day we made the outfit proper and Salman wore it. It was considered one of the, it's still, abhi jab bhi dancers log ke costumes bante abhi, I think they still copy that costume. As a family person, Salman ko aap kaise dekhti hain? I think he's a great son. Great father, great brother, great, friend, just adores him as in the house. I mean, whether it's his nephews, whether it's his sisters, so his friends, everyone, he's great. As a actor? Obviously, the audience has decided he's survived for 22 years. It's a very long time. It's more than two decades. So Salman is he's proven that he's a great actor. आपके हिसाब से, फ्रेंड के हिसाब से तीन खूबियां जो सलमान में आपको सबसे अच्छी लगती हैं? He's there when you need him. He's always protective. And yeah, दोनों. कभी छोटी मोटी नोक झोंक हुई है आपकी और सलमान की, क्या क्या कॉस्ट्यूम को लेकर या किसी चीज को लेकर, मतलब प्यारी से जो नोक झोंक होती है? नहीं, ये चीज नहीं, हम लोग की बहुत बड़ी नोक झोंक हुई. मैं अभी उनके कपड़े करती भी नहीं हूँ तो, बट एज एंड व्हेन आई नीड टू मीट हिम और एनीथिंग, आई हैव ऑलवेज बीन देयर. सो आई डोंट डू सलमान क्लोथ्स एनी मोर. तो या एवरीवन गोज थ्रू इट, सो वी आर स्टिल फ्रेंड्स. सलमान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, एक बहुत ही तीखा क्वेश्चन ये कह सकती, उस समय आपको क्या लगा हिट एंड रन केस, उस समय आप टू कमेंट ऑन दैट एट ऑल? दूसरा क्वेश्चन, अगर एक्टर हटा दिया जाए, एक मिनट के लिए सोच लीजिए, तो आप कैसे देखती हूँ उनको? एक वो एक्टर नहीं, आपने कहा भी फेमस रहे हैं, तो क्या होते, कैसे होते, या उतने ही फेमस होते अपने बैंडा बैंडस्टैंड में, या फिर कुछ अलग हो जाए? नहीं, फेमस होते. आई टोल्ड यू दैट ही वाज ऑलवेज पॉपुलर बिफोर ही बिकेम अ स्टार. तो he would have been famous in whatever he did because his persona is that. हमने सुना था मैंने प्यार किया के सेट के बाद भी जब भी वो शूटिंग करने जाते हैं, मैंने प्यार किया शुरू हुई थी तो वो बंगले के वो सब
अपना अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं जी। जब उन्होंने अपनी मतलब अपना बेल्ट बनाया तब आपने उसको उनको फर्स्ट टाइम देखा तब आपका रिएक्शन कैसा था, अच्छा लग रहा है या क्या, या उन्होंने आपको कभी इस बारे में बात की कि मैं अपनी बॉडी बना रहा हूँ? सीरॉक में वर्कआउट करते थे तो आई हैव सीन हिम ग्रो फ्रॉम कॉलेज टू हिज बॉडी, सो इट वॉज नॉट दैट 2 years before and then 3 years later I saw him with a great body. I have seen him thin, small, big, everything. So it's not that it was shocking for me that he had made his body. सलमान खान और संजय दो लोग ऐसे जैसे कि वो जब पतले थे तभी भी उतनी खूबसूरत लगते थे, बॉडी वॉडी बना ली तभी भी खूबसूरत लगते हैं, और जैसे ड्रेस की आपने बात की तो उनपे हर ड्रेस जचता है, इन दोनों में अगर कंपेयर आपको क्या लगता है दोनों का ड्रेस वेस सेम मतलब क्योंकि लोगों दोनों की बॉडी अच्छी खासी है और जो आज के यंगस्टर है उसको देख के काफी बॉडी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो आपको क्या लगता है? सवाल क्या है? सवाल ये है कि संजय दत्त दोनों लोगों ने मतलब जब वो पतले थे फर्स्ट की उनकी पिक्चर देखिए पहले की मैंने प्यार किया है उनकी रॉकी तो पतले थे तो भी अच्छे लगते थे, उसके बाद उन्होंने बॉडी बनाना शुरू किया तो आजकल के जो यूथ हैं इससे पहले भी उनको देख करके वो मतलब उनका ध्यान रखना बॉडी बनाना, तो इसके आप क्या कहोगे उन लोग? दे आर ट्रूली रॉक स्टार्स एंड यस दे क्रिएटेड द अवेयरनेस फॉर हैविंग ग्रेट बॉडीज, तो आई वुड से दे आर अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स एंड इट्स नाइस टू नो दैट दे इन्फ्लुएंस ना। सलमान इतनी चैरिटी कराते नहीं हैं, कुछ चैरिटी के बारे में बोलना चाहोगे जो आपको कुछ पता हो? नहीं मुझे नहीं पता। सलमान आफतों को बुलावा देते हैं इतना अच्छा होने के बावजूद, इस पे कुछ कहना चाहोगे आप? कभी भी कंट्रोवर्सी की बात मतलब सबके साथ होती है लेकिन उनको कुछ ज्यादा ही हो जाती है, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा ही फंस जाते हैं, ज्यादा पेपरों में आ जाता है, मीडिया ज्यादा उसको सामने कर देती है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये उनका पर्सनल जाती चीज़ है तो मैं उनके ऊपर क्या कमेंट करूँ? नहीं आप तो इतने दिनों से उनको जानती थी कॉलेज के टाइम से, तो चीज़ों को सॉल्व करना या छोड़ देना इसी क्वेश्चन आपसे इसलिए उठता है कि बहुत कम लोग हैं जो उनको इतने करीब से मतलब इतने कॉलेज के टाइम से जानते हैं, बहुत कम लोग होंगे, ये क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रही हूँ कि आप उनको तब से जानती हैं जब वो स्टार सुलझाना नहीं आता या छोड़ देते हैं या क्या? नहीं मीडिया को वैसे भी ये है कि किसी को कभी स्केप गोट बना दिया तो वो 10 साल तक स्केप गोट ही बनते रहता है, तो इवन इफ ही वॉन्ट्स टू क्लियर एंड ही डजेंट वॉन्ट टू क्लियर ही विल ऑलवेज बी द स्केप गोट, सो आई जस्ट फील सलमान इन द मीडिया इज अ स्केप गोट, सो वेदर ही सेज इट्स वेदर इट्स नाइट एंड ही सेज इट्स नाइट दे विल नॉट बिलीव इट, वेदर इट्स डे एंड ही सेज इट्स नाइट दे वोंट बिलीव इट, सो इट्स अ गुड थिंग दैट ही टेक्स अ स्टैंड दैट ही डजेंट वॉन्ट टू टॉक, इट्स अ नाइस थिंग, आई वुड डू द सेम। हम फिर आपको और सलमान को कब देखेंगे? कुछ प्लान बन रहा है कि शबीना एसके वापस साथ में काम करेंगे? अब तक तो नहीं है लेकिन who knows in the future, let's see। कभी बातचीत भी बहुत दिनों से शायद बंद है या फिर नहीं नहीं हाँ मिलते रहते हैं हम लोग। सलमान की सबसे आपकी सबसे फेवरेट ड्रेस जो आपने सलमान के लिए डिजाइन की होगी? हम दिल दे चुके सनम की वही, और पूरी पिक्चर एक्चुअली हम दिल दे चुके। कोई खास बात उस पिक्चर की? इतनी हिट फिल्म, फॉरेन लोकेशन टू अ हवेली, तो आई रियली एंजॉयड डूइंग द फिल्म फॉर सलमान, फॉर अजय देवगन, फॉर ऑल द कैरेक्टर्स एंड to top it out it had Sanjay Leela Bhansali at his best, so I really enjoyed it, it is one of my career's best films।